यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। में ही हरियाणा विधानसभा का किसान घेराव करने वाले हैं, तो तारीख जो है सुनिश्चित कर दी गई है, ऐलान कर दिया गया है 12 मार्च को विधानसभा का घेराव किया जाएगा किसानों की ओर से। तो बड़ी खबर आपको दे रखी है, 5 मार्च को रादौर से पदयात्रा को शुरू किया गया था, इसी कड़ी में अपनी मांगों को लेकर, जिसमें प्रमुख मांगे जो है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों का बीजेपी ने चुनाव से पहले सत्ता में आने से पहले जो वादा किया था उसको सरकार पूरा करे। साथ ही एसवाईएल का मुद्दा भी इसी बीच उठाया जा रहा है विपक्ष की ओर से भी किसानों को लेकर, तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशें लागू की जाए इस बड़ी मांग को लेकर किसान मुखर हो चले हैं। कर्ज माफी की मांग भी लगातार बरकरार है, जिसको लेकर पदयात्रा शुरू की जा चुकी है। इससे पहले दिल्ली कूच किए जाने की कोशिशें भी देश भर के किसानों की ओर से की गई थी, हालांकि हरियाणा में किसानों को रोका गया था। इसी बीच विधानसभा के घेराव का ऐलान कर दिया गया है, 12 मार्च को विधानसभा के घेराव की कोशिशें रहेंगी, हालांकि 15 मार्च तक विधानसभा का ये बजट सत्र चलना है। इसी बीच किसानों की कोशिशें रहेंगी सदन के घेराव की। चलिए, राकेश कथुरिया हैं हमारे संवाददाता, कैथल से फोन लाइन पर जुड़े हैं। राकेश, जो पदयात्रा किसानों की ओर से निकाली जा रही है, विधानसभा घेराव की जो बातें की जा रही हैं उसको लेकर जानकारी। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज जो भारतीय किसान सभा की बैठक, जो किसान आज धरना दिए हुए हैं, उनका कहना है कि ये 9 तारीख तक धरना रहेगा, लेकिन कल जो किसान नेता है ज्वार पार्क में आए थे, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि जो सरकार है स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करे, और जो अदर स्टेट है जहाँ बोनस दिया गया है उसी तर्ज पर हरियाणा में भी किसानों को जो है बोनस दे। और दूसरी बात उन्होंने ये की थी कि 23 फरवरी को जो आंदोलन हुआ था किसानों का, उस दौरान जो किसान जो गिरफ्तार किए गए थे, उनके ट्रैक्टर जो है वो जब्त किए गए थे, एक तो ट्रैक्टर जो है वापसी की मांग की, और दूसरा जो है किसानों, जो कुछ किसान अब भी जेलों में है उन्हें रिहा किया जाए। जी ज्योति, तो राकेश, कैथल में ये पदयात्रा पहुंच चुकी है, कितनी बड़ी संख्या में किसान शामिल है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो यही बात की थी कि हम किसानों को जाकर इकट्ठा करेंगे, और जो 12 तारीख को है विधानसभा का, इन्हीं मांगों को लेकर एक घेराव की जो है इन्होंने कल ऐलान किया था। जी ज्योति जी, चलिए राकेश, बने रहिए हमारे साथ। गुरनाम सिंह किसान नेता फोन लाइन पर जुड़े हैं। गुरनाम सिंह जी, खबरें अभी तक पर स्वागत है आपका। साथ ही बताइए कि कितनी लंबी ये लड़ाई आप लोगों की ओर से लड़ी जानी है? देखिए, लड़ाई तब तक लड़ी जाएगी जब तक हमारी बात मान नहीं ली जाती, इसके लिए कितना भी टाइम लगे कोई समय सीमा नहीं है जी। दूसरा बात, सरकार घबरा रही है, और सरकार ने घबरा के पहले बजट को जो पेश करना था वो 6 को करना था, 6 दे बदल के 12 तारीख कर दी, और फिर हमने भी 12 तारीख को ही प्रदर्शन रख दिया, पहले हमने भी 6 का ही रखा था। अब सरकार ने 12 की बजाय बजट को 9 तारीख का कर दिया है। बिल्कुल, अब हमने भी फैसला कर लिया है कि हम भी 9 तारीख को ही घेराव करेंगे। जी गुरनाम सिंह, तो सरकार जितनी अपनी चलाकियां दिखाएगी सरकार का मुकाबला किया जाएगा। हाँ। और ये आंदोलन आखिरी सांस तक लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक हम ये आंदोलन जीत नहीं जाते, उसमें टाइम कितना ही भी लगे। गुरनाम सिंह जी, क्या लगता है आप लोग कामयाब रहेंगे? जिस तरह से दिल्ली कूच किए जाने से सरकार की ओर से रोका गया था, राज्य पुलिस की ओर से रोका गया था, बोले। देखिए, आज अगर सरकार ने हमें दिल्ली में घुसने से रोका है जी, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है, हम ये फैसला ले सकते हैं कि हम सरकार को गांवों में घुसने से रोकेंगे। जब ये चुनाव में आएंगे हम अपने लोगों को कहेंगे इनका बहिष्कार करिए, इनको गांव में मत घुसने दीजिए, ये हम कर सकते हैं। अभी सरकार को चेतावनी है कि आज सरकार के पास टाइम है, अभी किसानों की बात मान जाए, वरना इन्होंने हमें दिल्ली में घुसने से रोका, हम इनको गांव में ना घुसने का फैसला कर सकते। क्या आप लोगों की उम्मीदें हैं कि किसानों को चंडीगढ़ में घुसने दिया जाएगा, क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर्स जो पहुंचे थे शुरुआती तौर पर उनको चंडीगढ़ में घुसने से भी रोका गया? देखिए, हो सकता है ना घुसने दें, लेकिन जितना ये हमारे ऊपर अत्याचार करेंगे, जितना हमारे ऊपर ये जुल्म करेंगे, उतना हमारी बात को ज्यादा बल मिलेगा। किसान जो है इनके ना तो लठों से डरता है ना इनकी गोलियों से डरता है। हम इस हालत में पहुंच चुके, किसान अब ये सोचना शुरू कर दिया है कि मैं खेत में फांसी नहीं जाऊंगा, मैं खेत में
पहले दवाई खा के आत्महत्या नहीं करूंगा। हाँ। उससे अच्छा है मैं पुलिस की गोली से मरना ज्यादा पसंद करूंगा। जी गुरनाम सिंह जी, जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी ने वादा किया था तो आपको क्या लगता है सरकार के सामने परेशानी क्या है इस मांग को लेकर? देखिए कोई परेशानी नहीं है, ये सरकार जो है ये अपना जो देश है वो पूंजीपतियों के हवाले हो गया है, वो कारपोरेट के हवाले हो गया है। इसका अगली प्लान जो है खेती का पूरा कारोबार कंपनियों के हवाले करने का प्लान है। वही एमपी है, वही मंत्री है, वही कंपनी है। हाँ। पूरे देश की खेती का कारोबार कंपनियों के हवाले करना है, ठीक है। इसलिए ये किसान को इतना परेशान कर देना चाहते हैं। गुरनाम सिंह जी, सरकार की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा हम लेकर आए, भावांतर योजना हम लेकर आए, सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना हमने चला रखी है, कि बहुत कुछ किया गया किसानों के लिए। देखिए झूठ बोलते हैं, जुमले छोड़ते हैं। फसल बीमा योजना में आप आंकड़ा निकाल के देखिए कि किसान का कितना पैसा कंपनियों की जेब में चला गया, कई हजार करोड़ किसान की जेब से निकल के कंपनियों की जेब में चला गया। जी। किसी किसान को उसका फायदा नहीं हुआ। जी। आंकड़ा देख लीजिए, आंकड़ा आपके सामने है। हाँ। दूसरा भावांतर योजना जो उन्होंने चलाई है उसका उल्टा ये हो गया। गुरनाम सिंह जी, तो ये फाइनल ये मानकर चला जाए कि 9 मार्च को आप लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। राकेश कथूरिया, बहुत शुक्रिया आपका कैथल से ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो अपडेट इस मामले में हम दे रहे हैं आपको, जहां 12 मार्च की पहले बात हुई थी वही गुरनाम सिंह ने साफ कर दिया किसान नेता ने कि 12 मार्च की जगह 9 मार्च को विधानसभा का घेराव किया जाएगा, चूंकि बजट 9 मार्च को पेश किया जाना है। तो अपनी बड़ी मांगों को लेकर किसान लगातार लामबंद हो चुके हैं, सरकार को विधानसभा को घेरने की कोशिशें की जा रही है, जिसका ऐलान भी किया जा चुका है। तो बड़ी खबर दी आपको कैथल से।